उस ट्रे में मैंने सारा ड्राई फ्रूट भर दिया और ये एक ड्राई फ्रूट की मेरे पास और बॉक्स था ड्राई फ्रूट का, इसको खाली किया और इसमें मैंने इन टोकरियों में रख दी थी अपनी लिपस्टिक्स, ये सब खाली करके इसमें लगा दी। और मैक्स आ गया सुबह सुबह खेलने। क्या खेलेगा जब बाहर जाके खेल ले? बाहर जाके खेल ले, कह रहे नहीं आप खेलो। ये देखो मैक्सो, 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 सोमू भैया कहाँ? सोमू आया, सोमू भैया कहाँ है? ये देखो कह रहा आप खेलो मेरे साथ। ये देखो अब ये लिपस्टिक बॉक्स बन गया, ये अच्छा है, क्यूट है। टोकरी में था ना तो खुला रहता था, अब अच्छे से पैक हो गया। और ये देखो ड्राई फ्रूट की ट्रे भी तैयार हो गई। सुबह सुबह उठ के भी मैं छोटे छोटे काम काफ़ी सारे कर लेती हूँ। सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, बस हल्की हल्की सुबह की मध्यम मध्यम ठंड तो शुरू हो गई है। शुरुआत यहीं से करते हैं क्योंकि सुबह सुबह सोमू ही जाता है सबसे पहले स्कूल, तो उसी को ठंड लगती है ज़्यादा, क्योंकि अभी सुबह सुबह की ठंड है। दिन में तो मौसम ठीक है, अभी तो नहीं गर्म पहना जाएगा। मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए थोड़ा ये पार्टीशन कर दूँ कपड़ों का, गर्म निकाल रही हूँ उसके और ये ठंडे वापस बैग में पैक करके रख दूँगी। गर्म में भी ना जो जैसे फुल फुल बाजू के लेकिन है सॉफ्ट सॉफ्ट, अभी ज़्यादा गर्म नहीं है वो, अभी के लिए महीने भर के लिए निकाल के बाकी ये गर्म अभी बॉक्स में रख दूँगी। जब तेज़ ठंड आएगी तब ऐसे मोटे कपड़े पहनेगा, वैसे भी वो चिढ़ता है सर्दियों से, उसको ज़्यादा कपड़े पहनने से इरिटेशन होती है, गर्म कपड़े नहीं पहनता वो ज़्यादा। देखती हूँ कहाँ तक पहुँचती है गाड़ी, सबसे पहले उसी से शुरू किया है, पहले उसका सेट करूँगी, फिर अपना, फिर पापा का लास्ट में करती हूँ मैं, क्योंकि उसमें मुझे पापा की ज़रूरत होती है। इसमें तो मैं अपने आप कर लेती हूँ, खुद कर सकती हूँ वो काम तो समेट लेती हूँ। फ्रेंड्स मैं घर आ चुका हूँ और पापा तो नीचे से फैक्ट्री चले गए, मम्मा ने उनको लंच दे दिया था और मेरे मम्मा ने इतना बढ़िया लंच दिखाया हूँ, बना दिखाता हूँ क्या है। ये है मेरे फेवरेट गोभी के परांठे, मतलब फेवरेट तो सबके आलू के होते हैं लेकिन कभी कभी ना गोभी खाने का बहुत मन करता है, गोभी परांठे इनका अलग ही टेस्ट आता है, बहुत टेस्टी है। चलो खाने के बाद मिलता हूँ, बाय। आ चुका है मैक्स, हो रहा है खाना वाना, हो चुका है तो सोमू क्या अब बताएगा कि उसको आज का लंच कैसा लगा रहे? अरे बहुत अच्छा लंच था, हमने खाए फ्रेंड्स जो गोभी के परांठे, मक्खन दाल और साथ में इधर आके बोल, और आधा हमने खाया मूली की भुर्जी का पराठा। अच्छा हाँ, सब लोग बनाते हैं, हमने उसको पराठा बना लिया। ये टैलेंट सिर्फ इंडियन मदर्स के अंदर है, जो बच जाए उसको पराठा बना लिया। ये पराठा फ्रेंड्स मुझे इतना बुद्धू बनाया जाता था, जब भी रात से चावल बच जाए कुछ दाल दाल या कुछ ऐसी चीज नहीं है, आटा भरो बना दो, कहा जल जादू परांठी है, बाहर से परांठी अंदर से चावल, वाह अमेजिंग आइडिया। हम फ्रेंड्स आज ना हमारे स्कूल में छोटे बच्चों का वो था स्पोर्ट्स डे, तो डेकलाया उसने डिचक हो रहा था, तो लास्ट पीरियड हमारी हिस्ट्री का था मैम करी, तो चलो आज हम करेंगे, आज हम पढ़ेंगे टोपोग्राफी। डीजे ब्रावो, डीजे ब्रावो, चैंपियन फिर पढ़ाई होनी पाई ढंग से कुछ ना हुआ। आज मैच के पीरियड में इतने बढ़िया बढ़िया गाने चल रहे थे, कैंड जित गिरदी मिट्टी तक कखनी, तारे भी डरके रैंड सुंडरेला, ये पापा को बहुत अच्छा लगता है, वो उस दिन बोले रहे थे मेरे को वो गाना सुनना जिसमें बारबी बारबी कहते हैं, उन्होंने कहना जाननी वर्गे बड़े बड़े शायर, तेरे कोरे आ बैन चन दी कुड़ी बदला दी पैण, सब तेन बिजली बिजली कहण, जे उठे गिरदी बजदा भी कखनी, तारे भी डर के रहण सिंड्रेला सिंड्रेला, जे उठे आया जी मेरे गूं रूपा के नचाया, तूने क्या क्या तोड़ गिराया, पागल हो गया क्या आज? देखो ये किसका और कैसे हो निकला, अलमीरा से
ये है तो फर्स्ट क्लास बिल्कुल, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है, इसका अडेप्टर ही पता नहीं कहाँ है। कहाँ रखा है सोमू इसका अडेप्टर? और इसमें इतने बड़े बड़े सेल डलते हैं, इतने बड़े बड़े सेल, ये देखो तो मैंने तो निकाल दिए, शुक्र करो बीच के गए थे। ये 6 सेल, इसके अंदर 6 सेल डलते हैं, 6 सेल मैंने बहुत सही, ये देखो इसके अंदर बड़े बड़े ये लीक हो गए, और इनके लीक होने की वजह से, और फ्रेंड्स ये जो लीक हुए हैं ना, ये शुक्र है जो सेंटर के थे वो लीक हुए हैं, ये देखो। अगर ये साइड्स के लीक हो जाते तो भैया हो गया था काम, इसके साइड के वो जो लगी होती है ना पत्तियाँ सी, वो भी सब ख़राब हो जाती, जंग लग जाता, लेकिन वो बच गया। अब मैं इसका अडेप्टर ढूंढती हूँ, देखती हूँ कहाँ है। मुझे तो लग रहा है इसका जो बड़ा वाला कैसियो है उसका अडेप्टर इस पर लग जाना चाहिए, पर ये कह रहा है वो नहीं लग रहा है। चलो देखते हैं क्या होता है इसका, मुझे बहुत क्यूट लगता है ये, क्यूट। सोमू ने जाना पार्टी में पापा के साथ, जाएगा है? ये दोनों सही है बाप बेटा, पार्टियाँ शाटियाँ। आपने कहा कि चला जाओ, आपने कहा मैं भूलो मत। नहीं मैं ये नहीं कह रही कि मत जा, मैं ये कह रही हूँ कि दोनों मस्त मजे करते रहते हैं। ये अभी भी सेब खा रहा है लेकिन ये मजे कर रहा है, मेरी कॉफी नहीं आई अभी, वो मेरे ना एनर्जी आएगी तभी आपकी कॉफी आएगी, जिससे आपके अंदर एनर्जी आएगी। ओके तो फ्रेंड्स और ना ये देखो इसके पास इतने सारे कैसियो हैं, ओ कीबोर्ड्स हैं, क्या है एम आई राइट? इसकी अलमारियाँ साफ करी है ना मैंने, कपड़े शपड़े निकाले। का साथ एक प्रॉब्लम है, ये कि तो बिल्कुल परफेक्ट है। मैक्स जा, मैक्स ये देख ले तेरे को छोड़ के जा रहे हैं पापा भी और सोमू भी, अब तुझे फिर मेरे साथ बैठ के बोर होना पड़ेगा। ये देख तैयारी चल रही, तेरे को नहीं ले जाएंगे हैं, उदास है तू? अंडा खा लिया तूने? अंडा अंडा दिया था पापा ने, क्या खिलाया पापा ने तेरे को? नींद आ गई तेरे को तो? ले पापा को फोन कोई क्या ही ले, वो देख रहा है फोन बज रहा है, चाचू का फोन आ गया चाचू। पापा तैयार हो गए हैं, पापा तैयार हो, मस्त हैं पापा, ऐश कर रहे हैं मजी, पापा जिंदगी जी रहे हैं मस्त, सारा दिन घर से बाहर। और तू ये क्या बना तेरी पैंट में? बुल, आई एम द बिग बुल, la 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 I'm the big bull। पापा ने लिफाफा तैयार कर लिया, पापा लिफाफा कैसे चमक रहा है लिफाफा विंदा तुम्हारा? यार यार बिल्कुल पापा का लिफाफा तैयार है, लिफाफा ऐसे सजा के जाना चाहिए पॉकेट में, वहां जाके दो या ना दो एंट्री पे ये दिखना चाहिए। कौन है? पापा की शर्टों के मजे ले रहा है, दिखाइए सब, रुक जाएगा सेट करने दो फिर दिखाएगा। मैक्स उदास पहले, वो उदास मैक्स, मैक्स मैक्स हमारा उदास हो गया, क्यों मैक्स हम तेरे को लेके नहीं जा रहे, इससे उदास हो गया तू तो। अब घर में मम्मा और मैक्स रहेंगे अकेले, हम जा रहे हैं पानी के, वो मेरे पास पड़ा मुंह दर्द है, चीटड़ हुई है, सारा गीला कर दिया पापा ने, गीला कर दिया, गीला कर दिया। मैचो खाना नहीं खाना था आज? नहीं खाया ना, इसे मूवी लगाया मैचो, आज भूख नहीं लगी भूख तेरे को? क्यों बेटा तेरे टाइम में 8:30 खा लो वो मैचो, आगे भी जो तो भूख लगी थी आज तो फ्री भी होके आ गया, फिर क्या हो गया आज? ओ बाबू खाना खा ले खाना, अंडा संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, नाल खाओ डंडे। ओ अच्छा, सोमू का फोटोशूट, फोटोशूट हो रहा है जाने से पहले, पापा कर रहे हैं फोटोशूट है सोमू। ये मॉडल हमारा, ये फोटोग्राफर तो नूब है, मॉडल तगड़ा है भाई हमारा, ये टशन में फट, ओ शिट इसकी तो जीन्स ही फटी हुई है। ओहो सोमू, ओहो फोटोग्राफर भी नहीं ध्यान दे रहा, ये फोटोग्राफर छोटा है वो लंबा है मॉडल हमारा, मॉडल घुटना रखी हुई है, फटा घुटना दिखाई अपना, नहीं दिख रहा
फ्रेंड्स मॉडल बहुत चला, अरे फटो वो, शिट शिट सोमो, तू फटी फटी जींस पहन के जाएगा? मैं गरीब हूँ। उसमें देखना। ओ वाओ हैंडसम लग रहा है, हैंडसम सोमो। लोग चले गए हैं घर का, कुछ ये हाल छोड़ गए हैं, जो चीज़ जहाँ यूज़ करी वहीं की वहीं फेंक के पूरा घर तहस नहस हिला डुला के, मैं भी चुपचाप बैठी रही, बोलो दोनों बाप बेटा से यार अच्छे से, मैं बाद में समेटूंगी। और ये बेचारा बच्चा मेरा उदास बैठा है, ये पापा के सोमू और पापा जब जाते हैं ना तब ये ऐसे ही उदास हो जाता है। हेलमेट लाए पापा यहीं, जो सामान जहाँ का, सोमू का स्कूल बैग, चेयर वेयर अब तक। अच्छा हाँ, आज पापा ने एक काम अच्छा किया, पापा ने ये सोचा कि पूजा के लिए हम तो बाहर पार्टी खाने जा रहे हैं, वो मुझे पता क्या लेके देके गए, क्यूट है पिज्जा। तो मैं खाऊंगी अब पिज्जा, एक पीस तो खा लिया, पापा ने भी खाया थोड़ा सा, सोमू ने भी खाया थोड़ा सा बचा है, वो मैंने कहा अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूंगी, नहीं तो अब तो मेरा पेट भर गया है, तो देखती हूँ आते हैं तो क्या होता है, तब तक समेटती हूँ, देखती हूँ और समेटती हूँ। और ये मैक्स देख लो, खाना नहीं खा रहा, पापा ही नहीं है, जब पापा आएंगे तब भी खाऊंगा ऐसे कहता है। ये देखो सारे, ये प्रेस करी, प्रेस ऊपर, जो चीज जहां मन करा हिला डुला फेंका के चल पड़े दोनों। तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं फणीश्वर में आज एक छोटी से छोटी गेट टुगेदर पर अपनी धनों के ऊपर, ये है हमारी धनों। कोई पुलिस वाले अंकल जी आएंगे चालान काट देंगे, चले चलो, अरे बाबा जान से जान से जान से, चलो मिलते हैं पार्टी में आपको। मैक्स अभी तक दरवाजे पे बैठा इंतजार कर रहा है, मैंने सारा घर वर समेट लिया, सारा काम खत्म कर लिया है, ये देखो पूरा घर सेट कर दिया मैंने, बिल्कुल सेट करके रख दिया। और मैक्स है कि उसका इंतज़ार ख़त्म नहीं हो रहा, वो देखो हर जरा सी आहट होती है सीढ़ियों में भौंकता है, ये देखो ये पापा को और सोमू को बुला रहा है, मैक्सो आजा, अभी नहीं आएंगे पापा, थोड़ी देर बाद आएंगे, आजा आजा। ये ध्यान ही नहीं दे रहा, कह रहा बोलते रहो, मैं तो पापा को लेके आऊंगा गेट से अंदर। फ्रेंड्स आज के ब्लॉग लिए इतना ही, मिलेगी कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलना। मिलेंगे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।